Assalamu alaikum friends, welcome to Civil Engineering Knowledge YouTube channel. Hamara jo aaj ka topic hai wo hai concrete grid or its mix ratio. So what is concrete grids? Concrete grids jo hai wo basically defined hote hain by the strength and the composition of concrete grid, and the minimum strength of the concrete should have following 28 days of initial construction. The grade of concrete is measured where M is mix and MPa is megapascal. Its overall strength in unit megapascal. Concrete जो यानी define होती है वो होती है mix और MPa से, और इसका MPa जो है वो है इसका total स्ट्रेंथ यूनिट 28 दिन के बाद. कंक्रीट ग्रेड्स में जो नंबर लगते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 एंड सो ऑन इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आपने देखा होगा M5, M10, M15, M20, ये जो नंबर होते हैं ये M जो है इसमें होता है मिक्स का, और जो आगे 5, 10 और 15 लिखा हुआ होता है वो होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of me in the megapascal unit after 28 days. So ummeed hai aapko iski definition acche se samajh mein aa gayi hogi. Aage chalte hain ratios ki taraf. Chaliye baat karte hain mukhtalif grades ki aur unke concrete ratio ki. So number 1 pe aati hai M5 ki concrete. यह सबसे हल्की कंक्रीट होती है. इसका रेशो होता है 1 part of cement, 5 part of sand एंड 10 part of crush, और इसका मेगापास्कल होता है 5 मेगापास्कल, और इसकी जो PSI होती है वो होती है 725 पाउंड पर स्क्वायर इंच. दूसरे नंबर पे जो कंक्रीट होती है वो हम सब जानते हैं कि ये लीन कंक्रीट में इस्तेमाल होती है, M7.5148 की कंक्रीट होती है जिसको हम कच्चे की कंक्रीट भी बोलते हैं, और इसका जो PSI का यूनिट होता है वो होता है 7.5 मेगा पास्कल, और जो इसकी PSI स्टैंड होती है वो होती है 1087 ऑफ PSI. तीसरे नंबर पे जो आती है वो होती है M10. ये दरमियाने किस्म की कंक्रीट है, 136 का रेशो है इसका, और इसका जो मेगा पास्कल होता है 10 का, और जो इसकी PSI होती है वो होती है 1450. और तीसरे नंबर पे जो चौथे नंबर पे जो आती है वो होती है M15, और ये जनरली कॉमनली यूज कंक्रीट है, 1:4 रेशो, 1 part of cement, 2 part of sand एंड 4 part of crush. 15 मेगा पास्कल का इसका यूनिट होता है, और इसका स्ट्रेंथ होती है 28 डेज की, और इसकी जो PSI में स्ट्रेंथ है वो 2175 की होती है. चौथे पांचवें नंबर पे जो आती है वो होती है M20 की जो कंक्रीट हो, तो यानी ऑर्डिनरी मिक्स कंक्रीट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट ये है, 1:1.5:3, 20 मेगा पास्कल और 2900 PSI, और इससे जो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट होती है उसको हम मिक्स डिज़ाइन बोलते हैं, उसकी मिक्स डिज़ाइन बनती है. उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए. थैंक यू.